नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की तमाम 25 खबरें। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, 3 दिन के बाद भी सुधार के आसार नहीं। केंद्र और दिल्ली सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे एक्शन प्लान। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्य और यूटी की 76 लोकेशन पर मारा छापा। महंगे पेट्रोल डीजल पर बवाल, सीतारमण बोली लोग राज्य सरकारों से पूछे कि उन्होंने टैक्स क्यों नहीं घटाया। हार्दिक पांड्या के पास से मिली 5 करोड़ की 2 घड़ियां, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने की जब्त। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाक टीम घोषित, इमाम उल हक और बिलाल आसिफ की होगी वापसी। बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली की फिल्म आरआर की कमाई का आंकड़ा आंध्र सरकार के फैसले पर है टिका। यूरोप केरल में दोनों डोज लगवा चुके लोगों को फिर हो रहा कोरोना। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने की ऐश्वर्या की तारीफ, बोली उन्होंने रिलेशनशिप के दौरान घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर साहस का काम किया था। राजकुमार पत्रलेखा ने लिए 7 फेरे, प्रियंका चोपड़ा अनिल कपूर समेत कई सेलिब्रिटियों ने दी उनको बधाई। राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे डीजल बम, 10 रुपए सस्ते डीजल के लिए लोग मौत दे रहे। गिरावट के साथ खुला बाजार सेंसेक्स में 115 पॉइंट्स की गिरावट, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर नीचे। 18 से खुलेंगे करतारपुर कॉरिडोर, पीएम आज कर सकते हैं घोषणा। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व से पहले जा सकता है पहला जत्था। देश में 2020 में 1.53 लाख लोगों ने की खुदकुशी, इनमें 65% लोग 18 से 45 साल के। इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ रही डिमांड, सालाना आधार पर 234% की दिखी ग्रोथ। संजय दत्त का ऐतिहासिक रोल, पृथ्वीराज के काका कर्ण उनके सामने जो मूंछों पर देता था ताव उसे चीर देते थे, इसीलिए बांधी रहती थी आंखों पर पट्टी। दक्षिण पूर्व रेलवे में अप्रेंटिस के 1785 पदों पर निकली वैकेंसी, कैंडिडेट्स 14 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से 106 पदों पर निकाली गई भर्ती, कैंडिडेट्स के लिए 9 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। कर्नल त्रिपाठी को भाई ने दी अंतिम विदाई, 3 साल का बेटा तिरंगे में लिपटे पिता के शव को ताकता रहा, वहीं पत्नी ने नम आंखों से दी सलामी। आर्यन केस के बाद शाहरुख खान ने डायरेक्टर से आउटडोर शूटिंग शेड्यूल छोटा रखने की बात कही, ताकि हर हफ्ते परिवार से मिलने मुंबई आ सके। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 16 साल के जश्न में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी। जेवर एयरपोर्ट से 2023 में उड़ान भरेंगे विमान, पहले फेज में 1327 हेक्टेयर में बनेगा एयरपोर्ट। छोटे पर्दे को मिली बड़ी राहत, टीवी चैनल्स की महंगाई, अब 1 अप्रैल तक टेली स्टार उत्सव सोनी सहित सारे चैनल्स के दाम 4 महीने के लिए नहीं बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने सुपर हरक्यूलिस विमान से किया लैंड, प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे का किया उद्घाटन। केंद्र के साथ मीटिंग में दिल्ली सरकार ने रखा प्रस्ताव, दिल्ली में WFH लागू हो, कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद हो। बीते 24 घंटे में देश में 8,865 नए मामले आए सामने, 197 मरीजों की हुई मौत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।